गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 श्री श्री माधुभक्ति सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। यदि आज ये एक विशेष तिथि है, ये एकादशी तिथि है और इसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हरिवासर तिथि। हरिवासर मतलब भगवान हरि, जिस तिथि में भगवान हरि का निवास है। जैसे सोमवार के लिए, जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं, किसके लिए व्रत सोमवार का होता है? श्री भोले बाबा के लिए। मंगलवार को व्रत रखते हैं किसके लिए? हनुमान जी के लिए। बुधवार को व्रत रखते हैं किसके लिए? गणेश जी के लिए। बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं लक्ष्मी के लिए। अब देखना, एक एक बार को एक एक व्रत अलग अलग देवालय के लिए रखते हैं, लेकिन ये जो एकादशी व्रत रखते हैं, कभी एकादशी व्रत का अधिष्ठात्री देवता कौन है? बल्कि इसका अधिष्ठात्री देवता स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, माधवती ते भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसति बोले परमादर का जो आश्रय है श्री कृष्ण के लिए भी ये व्रत है। अभी जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओ? एक को मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे के देवता हैं, अगर कृष्ण अगर हमारे ऊपर संतुष्ट हो गए ना, बोले जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सबको। जिसको ऊपर में भगवान की कृपा हो जाती है, उसको ऊपर में सबके सब अपनी आप उसको ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको फिर ये एकादशी व्रत करने पर फिर हमको और कोई तिथि करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, बोले जथा तरोमूलम निषेचनेन त्रिप्रति तत्स्कंध भूतोपसख। भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी दो उदाहरण देकर समझाए। पहला उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कि पेड़ है, जब पेड़ का जड़ में हम पानी दे देते हैं, फिर अलग करके उसको पत्ते उसको फल फूल में पानी देने का कोई जरूरत नहीं। अगर जड़ में पानी दे दिया तो पूरा पूरा पेड़ हरा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसको टहनिया को धोते रहे, उसको पत्ते को फल को फूल को धोते रहे, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा? लेकिन जड़ में पानी नहीं देता, पूरा पेड़ को पानी दे रहा है लेकिन जड़ में पानी नहीं दे रहा, आप बताओ वो पेड़ जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा? मर जाएगा, मर जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण दिया है जैसे आहार, हम मुंह में आहार देते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अब अच्छे तरह से समझो, आप दूसरों को भी प्रचार कर सकते हो कृष्ण भक्ति से क्या होता है,
कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, एकादशी व्रत किया है, ठीक है, अब भी अपना ऑफिस में लोगों को प्रचार करना। इसलिए दूसरा उदाहरण दिया है जैसे भोजन, हम भोजन कहाँ देते हैं, मुंह में देते हैं। जब हम मुंह में भोजन दे फिर और कहीं आहार देने का जरूरत नहीं। अगर कोई पेट में आहार नहीं देता है, बोले भैया आंख में तो देखते हैं, थोड़ा दाल आंख में डाल दो, कान में सुनते हैं थोड़ा रोटी कान में दे दो, है नाक में सुनते हैं थोड़ा उधर साग सब्जी डाल दो, कोई करते हैं। भोजन कहाँ देते हैं, भोजन कहाँ देते हैं, मुंह में। जब हम मुंह में भोजन दे देते हैं, देखना कि समस्त इंद्रियां सबके सब तृप्त हो जाते हैं। कहते तथैव सर्व अन्न अच्युतैजा, जब हम श्री अच्युत भगवान को, अच्युत मतलब क्या है, जिनका कभी च्युत नहीं होते, जो कभी च्युत नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम है अच्युत नाम है। बोले अगर अच्युत भगवान, अगर कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए, इसलिए कहते जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में कृष्ण की कृपा हो गई तो उसको ऊपर में सबके सब अपने आप उसको ऊपर संतुष्ट हो जाते, सारे 33 करोड़ देवता उसको ऊपर में खुश हो जाते हैं, अगर हमने सारे देवा देवी को संतुष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण को खुश नहीं कर पाए, भैया अंतिम समय में ही कोई काम नहीं है। इसलिए जब शरीर छूटता है, देखना जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते, कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सबके बार छुटा है, यही बोलते हैं ना। पर जितने जीवन में जितने तुमने कृष्ण और राम का नाम लिया वही सत्य है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है सबके सब तुमने झूठ बताया। इसलिए जो एकादशी व्रत है वो एकादशी व्रत भगवान माधव की व्रत है, भगवान कृष्ण की व्रत है। इसलिए अगर कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए ना, इसलिए कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाया ना, बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर कहते हो शंकर मेरे में, जिसको तुम दुर्गा कहते हो दुर्गा मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते हो हनुमान मेरे में, ये 33 करोड़ देवता देख विश्व ब्रह्मांड में रहते हैं। तब उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक माला है, जैसे मेन में वहां पर एक धागा है, हम एक एक फूल को है उसमें देख देख करके एक मूल की माला बनती है, लेकिन ऊपर से हमें धागा नहीं दिखती है, ऊपर से हमें क्या दिखती है, फूल ही फूल दिखती है, लेकिन चूंकि उसमें धागा है इसलिए एक एक फूल से एक सुंदर माला बनी है। अगर धागा टूट जाएगा तो सारे फूल बिखर जाए। कहते उसी तरह है अर्जुन, मई सर्वविधम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाय, जैसे सूते को धागा को मैन करके एक एक मणि को दे दे करके एक फूल की माला रचना करते हैं, उसी तरह ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में ही विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए जो एकादशी व्रत है एक इसका व्रत है, एकादशी व्रत ये भगवान श्री माधव का व्रत है, भगवान श्री कृष्ण का व्रत ये एकादशी व्रत है। अगर भगवान कृष्ण अगर हमारा पर खुश हो गए सबके सब खुश हो जाएंगे, समस्त देवादेवी अपने आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, बोले जतन पालन करो, बोले तिथि को कैसे पालन करनी चाहिए, बोले जतन पूर्वक पालन करो, बोले जतन पूर्वक मतलब क्या है, इसलिए इसका नाम एकादशी है। हमारी जो ये एकादशी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। जैसे अम्बरीश महाराज क्या करते थे, बोले सबई मन कृष्ण पदार हृदयो, कहते ये मन को कहाँ लगा के करते थे, ठाकुर जी की चरण में, बोले बाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, वाणी को कहाँ लगाते थे, भगवान की गुण कीर्तन में, बोले करो हरे मंदिर मार्जना, बोले हाथ को कहाँ लगाते थे, ठाकुर जी की मंदिर मार्जन में, बोले श्रुति चकार अचूत सत कथा दे, ये कान से क्या कहते थे, ठाकुर जी की कथा सुनते थे, बोले लिंगानि दर्शन दिशो, ये आंखों से क्या करते थे, ठाकुर जी की श्याम सुंदर जी को दर्शन करते थे, बोले पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पण,
ये पैर को क्या करते मंदिर की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा में लगाया करते थे। ये समस्त एकादशी इंद्रियों को एकादशी का दिन क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में करनी चाहिए हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों का धारणा क्या है, आज व्रत है, आज उपवास है। क्या है? आज उपवास है, मतलब आज हम भोजन नहीं करेंगे। एकादशी का दिन उपवास मतलब क्या, साधारण लोग आज हम कुछ भोजन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर रूपों को स्वामी नहीं, उसको उपवास नहीं करते। उपवास मतलब होता है बोले उप समीप जो वास जीवात्मा परमात्मा नो उपवास न शरीर विशेषण। शरीर को सुखाना उपवास नहीं है, शरीर को सुखाना उपवास नहीं, नहीं कहा नहीं। उप समीप जो वास बोले भगवान की पास में वास करो। उप समीप जो वास जीवात्मा परमात्मा नो, ये जीवात्मा को जो परमात्मा भगवान को पास में, जब इसी शरीर को भगवान के सेवा में लगाएंगे। हाँ, इसलिए नियम है एकादशी का दिन जितना हम रोज रोज हरिनाम करते हैं एकादशी का दिन थोड़ा ज्यादा हरिनाम करते हैं, थोड़ा ज्यादा हरिनाम करें एकादशी का दिन। जितने हम भक्ति के अंग जागरण करते थे, आज थोड़ा सुंदर ठाकुर जी के लिए फूल बना और ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना भगवान के लिए। क्योंकि नियम है, नियम है जो एकादशी व्रत है ना, हम लोगों के लिए, ठाकुर के लिए एकादशी नहीं है। इसलिए आज का दिन क्या करनी चाहिए, जो चीज दूसरे दिन हम लोग खाते हैं, आज बढ़िया से बढ़िया शाही पनीर मटर पनीर और बढ़िया बढ़िया सब्जी ठाकुर को बनाओ। क्यों? दूसरे दिन क्या होता है, जब पनीर का सब्जी घर में बने ना, आज बहुत बढ़िया प्रसाद बन रहा है, मतलब खाने के लिए पहले ही हमारे लोग हो जाते हैं। लेकिन आज तक खा नहीं सकते हो, अर्थों को खा नहीं सकते हो, इसलिए आज क्या करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का समय में एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत रोए और जितने थपथप लगा करके रोने को बंद करने के लिए चाहते हो उतना जोर से रोए। बोले बेटा बताओ तो निमाय क्या हो गया। बोला आज एक भक्त है हिरण्य और गोवर्धन भक्त ही, आज उनको घर में ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े पकवान मिल रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। अगर मेरे प्राण चाहते हो उसको ला कर उसको ला कर खिला। ये बड़े आश्चर्य में पड़ेंगे, इतना छोटे बच्चों को पता नहीं चला उनकी घर में आज बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, भैया इनको पता नहीं चल गया। सचमुच से जा करके देखा है ना, बड़े सुंदर सुंदर पकवान, शाही पनीर मटर पनीर राजवा चावल और बड़े सुंदर खीर पुष्पार्ना मिठाई, ये बड़े सुंदर बनाए ठाकुर जी के लिए। तो उन्होंने बोले हमारे बेटा निमाई कहता है क्या आपका घर में आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाया ठाकुर जी के लिए। कहते अगर हमारी प्राण रक्षा करना चाहते हो तो पकवान को, बहुत बड़े आश्चर्य में पड़ेंगे। बल्कि निमाई इतना छोटा बालक है, उसको पता कैसे चला आज हमारे घर में इतने सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, इसको ले जाओ। तब यहाँ पर कहते हैं भैया कि पूर्व जन्म में कौन थे, जैसे आज आपका घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा रोए उनको घर से ला करके आप ठाकुर के लिए बना रहे हो, अगर कोई छोटा बच्चा बोले उनको घर में लेकर के हमें खिला आप देते हो, बोले भैया हम बना रहे ठाकुर जी के लिए, शुभ होते हम तो बना रहे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर को भोग लगे ना। हाँ, ठाकुर को भोग लगने के बाद ये प्रसाद हमें किसको दे सकते हैं, कोई दे देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन वो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ले लो ये सब के सब ले करके निमाय को खिला। तब यहाँ पर कहते भैया ये पूर्व जन्म फिर कौन थे, ये पूर्व जन्म में कौन थे जो दे दिया। बोले ये लोग पूर्व जन्म में यज्ञ प्रतिनिधि थे। जब कृष्ण इंद्र पास है ना भाथरो, जब कृष्ण बलराम को साथ में गोचारण करने के लिए गए, एक दिन सखाओं ने बोले कन्हैया पेट में बड़े भूख लग रहा है, खाने पीने का व्यवस्था करो। बोले जाओ ना पास में, बड़े बड़े पंडित द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लोग पास में यज्ञ कर रहे हैं, उनसे मेरा नाम बलराम कृष्ण का नाम को बोल करके वहां से अन्न भात की व्यवस्था करके ले आओ, अन्न ले आओ। लेकिन जब उन्होंने जाकर के बोले पास में कृष्ण बलराम आए हैं, वो भूखे हैं, आपसे कुछ अन्न भोजन के लिए मांग रहे हैं। जब उन्होंने उनको पास में जाकर बोले, बोले कहाँ हम यज्ञ के लिए सब बना रहे हैं, हम क्यों कृष्ण के लिए क्यों,
वो वापस चले गए। बोले कन्हैया तेरा नाम सुन करके तो उन लोगों ने अनदेखा कर दिया। बोले कोई चिंता मत करो, उनकी पत्नियों को पास में जाओ, उनकी पत्नियां मेरे परम भक्त है। बोले जो त्रिवेदी चतुर्वेदी दुबेदी इतने इतने बड़े बड़े ब्राह्मण जब तेरे तत्व को नहीं समझ पाए, स्त्रियां तो अपवित्र रहने वाली, उनको वेद में अधिकार नहीं, जिनको उपनयन संस्कार भी नहीं होती है, वो कैसे दे देंगे भगवान। बोले देखो जो भक्ति है ना इसको ऊपर निर्भर नहीं करता है, वेद में अधिकार नहीं है, यज्ञ सूत्र नहीं पहन सकते हैं, जो भक्ति है इसको ऊपर निर्भर नहीं करता है, भक्ति निर्भर करता है भाव ऊपर। कहते ना भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, और भाव से भजन करे तो भविष्य बिड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे है, भगवान है प्रेम के, जैसे सबरी कितना झूठे बैल सबरी के खाए, बहु विध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए जगत में सबसे जो ऊंची चीज है प्रेम है, भगवान केवल प्रेम की भूखे है ठाकुर जी, और किसी चीज की भूखे ठाकुर जी नहीं है। और जो ज्यादा प्रेम है माता जो करते हैं, अब देखना कहीं अगर कथा भागवत पूछो ज्यादा लोग आने वाले माता है, कहीं नवद्वीप परिक्रमा में जाओ कथा में देखो ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर बोले देखो, यहाँ पर बोले देख कृष्ण, बोले देखो भक्ति उसको स्त्री पुरुष को पर निर्भर नहीं करते, भाव से भजन होता है। इसलिए ये भले ही त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी क्यों नहीं हो, लेकिन देखो साक्षात परम ब्रह्म यज्ञ मूल कौन है, यज्ञ स्वरूप भगवान कृष्ण, यज्ञ मूल भगवान कृष्ण है, हैं? इसलिए जो स्वयं यज्ञ स्वरूप जो भगवान कृष्ण, कृष्ण पका रहे हैं प्रसाद, भगवान को नहीं दे रहे, उनको भगा दिया वहां से। लेकिन जब स्त्रियों के पास में गए ना सचमुच से, जब गए सब कृष्ण के सखाओं ने देखा, दूर से माताएं तो हाथ में काम कर रही थी लेकिन मुंह में प्रभु का नाम ले रही थी, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक जोर कर दो बोले हरे सबके सब पकवान लेकर के कृष्ण के लिए दौड़ पड़े, कृष्ण के लिए दौड़ पड़े। इतने में किसी ने जा करके ब्राह्मणों को शिकायत कर दी, बोले तुम लोग तो यहाँ सुहा सुहा लगे हुए हो, और यज्ञ के लिए जितने पकवान बनाया था ना तुम्हारी पत्नियां सब कृष्ण के लिए सब लेकर के जा रही हैं। बोले क्या वो सबके सब यज्ञ के लिए बना, कृष्ण ग्वाला के लिए ले जा रहे, चोटी खड़े करके भगे वाले हैं। बोले खबरदार अगर घर से निकले बोले काम छोड़ दोगे, घर में कुछ नहीं लगे, बोले तुम्हारे घर भी नहीं आए, हम तो कन्हैया के पास में रहेंगे। बोले खबरदार घर में आना नहीं, बोले नहीं आएंगे तुम्हारे घर में। लेकिन सचमुच से जब लेकर के भगवान के लिए खिलाए, ठाकुर जी खूब खाए, भगवान आशीर्वाद दिया, बोले जाओ घर में वापस चले जाओ। बोले हम घर में वापस नहीं जाएंगे, हम बोल करके आए हैं, झगड़ा करके आपके पास में आए। बोले कोई चिंता मत कर, अभी जब घर में जाओगे ना पहले जितने तुम्हारी पूजा करते थे उससे ज्यादा तुम्हारी पूजा करेंगे। बोले सही पूजा करके देखो, सचमुच से जब वो यज्ञ पत्नियां आई ना, ब्राह्मण लोग बाद में अपने आप को धिकार देने लग गए, बोले हमारे ये जीवन बेकार, ये जीवन है हमारे, वेद पढ़ना शास्त्र पढ़ना ये सबके सब बेकार है, क्योंकि यज्ञ स्वरूप भगवान है, हैं यज्ञ स्वरूप भगवान है, साक्षात ठाकुर जी हमें मांगने के लिए आए, ठाकुर को नहीं दिया, पत्नी को चरण में गिर माफी मांगी, तुम लोगों का जीवन धन्य हो गया,
जो कि तुम लोगों ने ठाकुर जी को भोजन खिलाया है। अब ठाकुर जी को भोजन खिलाया तुम्हारे जीवन धन्य है, तुम्हारे जीवन है। इसलिए कहना भगवान अगर किसको पर खुश हो गए ना, सबके सब उसको पर में सबके सब खुश हो जाते, दुनिया खुश हो जाते हैं। इसलिए एकादशी का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु एकादशी का दिन ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया बना है। ठाकुर जी के लिए उस दिन लोभ नहीं होता है, कोई चीज खाने के लिए लोभ नहीं थी। आज ठाकुर जी तुम तो खा ही नहीं सकते जो चीज बन रही, आज एकादशी है, इसलिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया उस दिन बनानी चाहिए। इसलिए ये एकादशी मतलब उपवास मतलब होता है ऊपर समीप जो वास जीवात्मा परमात्मा न हो। जब ये जीवात्मा परमात्मा को पास में निकट में पास करे बल्कि उपवास सब बीते हैं उसको, विद्वान लोग उसको ही एकादशी कहते हैं, उसको ही असली उपवास कोई है। न उपवास लंघनम, नहीं खाने से उपवास नहीं होता है। लेकिन साधारण लोगों का धारणा क्या है, आज हमने व्रत रखा है मतलब आज कुछ भोजन नहीं करें, नहीं। उपवास मतलब होता है समस्त पाप को परित्याग करते हुए, उपावृतस्य पापेभ्यो जस्तुवा गुणैः, जो भगवान की गुण कीर्तन करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, सारे रात्रि महाप्रभु नहीं सोते थे, कितना श्री हरि बस हरे हरे कीर्तना विधाना महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, महाप्रभु का भक्त लोग कोई प्रसाद नहीं पाते, अन्न भोजन नहीं करते, लेकिन जगन्नाथ जी की रोज रोज 36 व्यंजन भोग लगता है, लेकिन महाप्रभु का भक्त लोग कोई प्रसाद पाते नहीं। एक दिन पंडित लोगों ने उनको पता है कि जो महाप्रसाद है साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान को प्रसाद देने का साथ साथ नियम है प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, मतलब प्रसाद आते ही उस समय अनादर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुण्य बताज विश्वास नहीं बजाए। जिनका कम पुण्यवान व्यक्ति है उनको ये चार चीज में विश्वास नहीं होता है, बोले कहाँ कहाँ पर, बोले महाप्रसाद गोविंद भगवान का नाम और ब्रह्मणे मतलब ब्राह्मण में, ये चार वस्तु में लोगों का विश्वास नहीं होता है, हैं? सब को पुण्य बताकर आज विश्वास नहीं हो जाते। इसलिए महाप्रसाद नियम है आते ही एकदम महाप्रसाद को आते ही महाप्रभु वंदना करते थे, प्रणाम करते थे, क्योंकि महाप्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप श्री महाप्रसाद है। इतने में महाप्रभु का रात भर कीर्तन करते थे, वो पंडे अभी सोच रहे हैं एकादशी का दिन तो भोजन करते नहीं महाप्रभु, प्रसाद ग्रहण नहीं करते, लेकिन प्रसाद को अनादर भी नहीं करते, चाहते जरूर ग्रहण करते। अगर महाप्रभु का द्वारा प्रसाद भोजन करा दिया ना, उनको सारे भक्त लोग बोलेंगे जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भोजन कर थाम क्यों नहीं जाए, हम भी खाएगा। एक दिन उन्होंने महाप्रभु को लाल रख दिया, लेकिन महाप्रभु को देते ही महाप्रभु ने क्या किया, साष्टांग प्रणाम किया और उनकी बड़ी सुंदर श्लोकों से महाप्रसाद को ने स्तुति की और बीच में रख दिया। ऐसे नहीं केवल भोजन करने पर सम्मान होता है, ऐसे नहीं, उनको प्रणाम करना उनकी स्तुति करना भी एक तरह का भोजन है। महाप्रभु ने परिक्रमा की और बीच में रखे रात और उन्होंने कीर्तन किया, कीर्तन करते हुए सवेरे उन्होंने क्या किया,
अपना समय से जैसे नियम होता है इतना समय बंधन में एकादश का व्रत खोलनी चाहिए, वो समय से मैंने प्रसाद को लेकर मैंने व्रत को खोला है। इसलिए महापुरुषों को नहीं राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, महापुरुष साक्षात भगवान कृष्ण है लेकिन एकादशी का दिन अर्ण भजन उन्होंने नहीं किया। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को बोले माँ आज तेरे से मैं एक भिक्षा मांगता दोगे? बोले बेटा बोलो। बोले एकादशी में अन्न नहीं खाना मिले। बोले ठीक है बेटा एकादशी में व्रत पालन करो। साक्षात यशोदा साक्षात परम 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 भगवान एकादशी व्रत रखते हैं लेकिन कुछ ऐसे अपदार्थ लोग है बोले नहीं एकादशी का दिन अन्न साक्षात भगवत स्वरूप फिर अन्न कैसे भोजन नहीं कर सकते? अरे भगवान जब स्वयं भोजन नहीं किया जिसे एकादशी को पांडव ने जला सबसे बड़ी एकादशी पांडव ने जला जिसको पांडव लोग द्रौपदी को साथ में सबसे बड़ी एकादशी करते थे भागवत में कथा आता है अंबरीश महाराज स्वयं एकादशी व्रत को स्वयं अंबरीश महाराज करते थे जिस एकादशी को स्वयं नंद जसोदा ने पुत्र का एकादशी करके पुत्र कृष्ण को प्राप्त किया। कभी कर्णपुर वर्णना करता आनंद वृंदावन चक्र में पहले कृष्ण नहीं था उनने समस्त प्रकार बार व्रत सब कुछ उन्होंने किए लेकिन घर में कोई संतान नहीं बोले हमने सारे व्रत करके देख लिया लेकिन ये पुत्र का एकादशी पुत्र मतलब जो पुत्र को दान देता है बोले हमने अभी तक ये पुत्र का एकादशी नहीं किया। जब उन्होंने पुत्र का एकादशी किया ठीक ब्रह्म मुहूर्त में नंद जशोदा स्वप्न देखा सुंदर एक कृष्ण लाला कैसे दूध पान करते हुए दोनों धार से दूध बहकर कुर्ता बिक रहा था कैसे कृष्ण माँ के पीछे पीछे माँ माँ बोलते बोलते पीछे चल गए थे मेरे को गोद में ले लेकर कृष्ण हुई। तो टीकाकार कहते हैं भैया दूसरे दूसरे व्रत तो उन्होंने रखा लेकिन उनको पुत्र नहीं हुआ लेकिन पुत्र तो एकादशी में क्यों हुआ है? उन्होंने दूसरे दूसरे व्रत रखे थे लेकिन पुत्र तो हुआ ही नहीं पुत्र का एकादशी में क्यों व्रत हुआ? कारण है कि जो एकादशी है इतना माधवती भक्ति जननी जतन पालन कारी कृष्ण बसती बसती बोली परमादरी बारी शोध भक्त चरण रेणु भजन आनो बोला। इसलिए इसका नाम पुत्र दा मतलब जो पुत्र को देता है बोले कौन सा पुत्र? बोले कृष्ण। इसलिए भक्ति जननी भक्ति की माँ माँ क्या करती है? जन्म देती प्रसव देती बच्चों को इसलिए भक्ति मिलती है कहां से? एकादशी व्रत से। एकादशी व्रत किए बगैर कहते कभी तुम्हारी भक्ति हो ही नहीं सकती भक्ति कभी हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान स्वयं ये एकादशी व्रत को भगवान स्वयं स्थापना करने के लिए कहते एक नाथ भक्तों घर ठाकुर जी आ गए स्वयं वो भगवान के कनिष्ठ भक्त है घर में अन्न भजन नहीं खाते देते नहीं भगवान स्वयं नारायण एक बूढ़ा ब्राह्मण बन करके आए बोले मैं 3 दिन से भूखा हूँ मेरे को भोजन दे दो नहीं तो प्राण छूट जाएगा। बोले भैया आज एकादशी हम अन्न नहीं दे सकते। बोले नहीं खाऊंगा तो अन्न ही खाऊंगा। बोले एकादशी दिन हम दे भी नहीं सकते वो खा भी नहीं सकते स्वयं ठाकुर जी स्वयं थे। बोले अगर तू नहीं दोगे ना प्राण छूट जाएगा भले ही मर जाओगे एकादशी व्रत में मैं तुम्हें भोजन अन्न नहीं दे सकता हूँ देखते देखते ठाकुर जी वही पर लुढ़क ठाकुर जी ऊपर शरीर छोड़ दिए सारी दुनिया के लोग निंदा किया तेरी वजह से जो ब्राह्मण मर गया तो ब्राह्मण को भोजन तुमने नहीं दी ब्राह्मण शरीर छोड़ दिया दुखी हो गए भैया मेरे दरबार में आकर के मेरे घर में एक ब्राह्मण भोजन के लिए आएगा भोजन नहीं दी मैंने ब्राह्मण ही शरीर छोड़ दिया मैं इनको साथ में अपना शरीर को दाह संस्कार कर अपना शरीर को दिया चिंता जला चिंता जी करके एक नाथ उन्होंने क्या किया सुनने बैठ गए और ठाकुर जी को गोद में ले लिया। ठाकुर जी ना उन्होंने ये करके ना वो जो वृद्ध ब्राह्मण को गोद में ले लिया आग लगा इनको साथ में अपना शरीर को भी त्याग कर दो। जब उन्हें आग लगाने के लिए गए ना बस वहीं पर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। बोले श्री कंथवत्सल भगवान की
ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, बल्कि नाथ मेरे को परीक्षा करने के लिए आया था एकादशी में, तुम्हारी कितने निष्ठा है, केवल निष्ठा को करने के लिए आया था, तुम्हें पास हो गया, इतना निष्ठा एकादशी का तुम, इसलिए एकादशी व्रत हम सबको एकादशी व्रत रखनी चाहिए। एकादशी व्रत हमारी जीवन है, संत वैष्णव का एकादशी व्रत ही, जैसे दूसरे दूसरे में ध्यान योग तपस्या यज्ञ था, लेकिन श्री कति से कलयुग में एकादशी की ही, यही एकादशी में कलयुग में यही तपस्या है, यही तपस्या एकादशी व्रत का, इसलिए आप लोग सबके सब एकादशी व्रत रखो और भगवान की पूजा करो और हमारे श्री जनार्दन पुरुष महाप्रभु से। हाँ हाँ, आप जो श्रद्धा नमक है ना, हाँ श्रद्धा नमक खा सकते, क्योंकि देखो कुछ कुछ लोग